असलम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तबीयत की दुनिया। मैं मोहम्मद यासरी बात। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्लासेस का मैथ है उसका पास्ट पेपर जो है वो हम सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। अच्छा, जो इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अभी इसका हमारे पास आया है सब्जेक्टिव पार्ट है वो हम स्टार्ट करने लगे। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर वन है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई, बात क्वेश्चन वन की है, एक्सपेंशन की बात करता है एंड सिंप्लीफिकेशन। जल्दी में लिखता जाऊंगा, पहला पार्ट है इसका x प्लस टू वाई माइनस फोर सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर एक्स प्लस थ्री वाई एंड देन इसे ब्रैकेट क्लोज कर। सबसे पहले जो अंदर पैरेंथेसिस है ना, छोटी ब्रैकेट है, उनको सॉल्व करेंगे। ये वाला टू इसी तरह आगे वन का पार्ट एक सॉल्व कर, ये वाली ब्रैकेट खत्म कर दूंगा तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा एज इट इज। इस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 4 6 सर 24x, इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस माइनस, इस 4 को 3y से भी मल्टीप्लाई करो तो 4 3 सर 12, 4 3 सर 12y प्लस, अब ये 4x प्लस 3y इसी तरह आ जाएगा। इसमें इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि y ना तो कोई नंबर है जो अंदर मल्टीप्लाई हो और ना माइनस है, ये साइन चेंज करेगा। इसमें तो देखो साइन भी चेंज हो गया, यानी प्लस वाला इस माइनस में, अगर ये दोनों नंबर भी चेंज हो गया कि बाय 4 था, 4 जब 6 से मल्टीप्लाई हुआ 24, 4 जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ 12। अब हमारे पास ये वाला 2 इसी तरह, अब देखिए हमारे पास x की कितनी वैल्यू है, x की हमारे पास 3 वैल्यू है, ये देखिए 1 2 एंड 3। अब इसमें जो दो वैल्यू है वो प्लस की है, यानी इस x के साथ कोई साइन नहीं है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो 4 और 1 कितने x हो गए, प्लस के 5x हो गए और माइनस के 24x हो गए। अगर y की बात करूं तो y 2 प्लस के हैं, ये देखिए ये 2 प्लस के हैं और इनके बीच में एक माइनस का है, तो प्लस वालों को पहले इकट्ठा कर लेते हैं, 3 और 2 कितने हो गए 5y हो गए और ये माइनस 12y इसी तरह आ गए। अब 2 इनटू 24 में से क्या हो गए 5 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना बचा, 25 में से 4 गए पीछे कितने बचे 21, 24 इज ग्रेटर देन 5 तो साइन माइनस, 12 में से 5 है पीछे का कितने बचे 7y, 12 इज ग्रेटर देन 5 इसलिए नेगेटिव साइन आंसर के साथ आएगा, ठीक हो गया, बिकॉज 12 इज ग्रेटर देन 5 तो इसलिए, और एक के साथ प्लस माइनस देन गोज टू सबट्रैक्शन, दोनों की सबट्रैक्शन होगी, क्यों सबट्रैक्शन होगी बिकॉज दोनों का साइन का डिफरेंस है प्लस एंड माइनस। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 1 2 2 2 4 माइनस 14 2x माइनस 14y। अब इसे इस तरह लिखते हैं, ठीक है, एक्सपेंड भी हो गया और सिंप्लीफाई हो गया तो पार्ट 1 इसका हो गया। वीडियो को पास करके सेशन जोड़ लें ताकि इसका पार्ट बी जो है वो भी करें, 5 नंबर का सवाल है कंप्लीट हो गया। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर जो वन है उसका पार्ट डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कह रहा है बी में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस टू थ्री बाय फोर प्लस ट्वेल्व वन बाय टू डिवाइडेड बाय थ्री फाइव बाय एट वन थ्री बाय एट एंड फाइव बाय एट, ठीक हो गया। अब इसमें क्या करें फाइंडिंग वैल्यू, अब इसमें होगा क्या, सही है ये वाला ब्रैकेट नहीं है बल्कि ये वाला, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 सर 8, 8 प्लस 3 11 पावर 4, क्या हुआ 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसने 3 ऐड कर दिया, 4 2 सर 8, 8 प्लस 3 11, अगेन 2 12 सर 24, 24 प्लस 1 25 बाय 2, 8 3 सर 24, 24 प्लस 5 29 बाय 8, 8 1 सर 8, 8 प्लस 3 11 एंड डिवाइड बाय 8 प्लस 5 बाय 8, अगेन 8 8 8 ठीक, माइनस 11 बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 25 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अब हमने ये देखा 2 मल्टीप्लाई बाय 25 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 व्हाई,
ताकि अगर डी नोट में डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हुआ ये काम किया। 29, 11 + 5, 8 डिनोमिनेटर सेम, सेम डिनोमिनेटर, नो चेंज इन द नोमिनेटर, नोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हुआ, नोमिनेटर रिमेन सेम बिकॉज एलसीएम इज सेम, एलसीएम हमारा सेम है, नोमिनेटर में सेम रहेगा। 11 over 4, 50 over 4 डिवाइड बाय 25, 29 + 29 and 5 दोनों का सेम साइन, सेम साइन है तो दोनों का हो जाएगा ऐड हो जाएगा 34 - 11 over 8 अगेन डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर रिमेन सेम, नोमिनेटर एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हमारे पास है। 34 + 24 - 11 वी हैव 23/8 कैसे 4 - 1 = 3, 3 - 1 = 2 एंड देन 59 में से हमने 11 क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे, जब 59 में से 11 सेपरेट हो गए देन 39 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8/23 अब ऐसा किस तरह होगा अब देखिए इस तरह क्या है इस तरह ऐसा होगा कि नाम ठीक है 8, 8, 11, 24, 29, 5, 34 अब देखें डिवीजन चेंजेस टू मल्टीप्लिकेशन तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा तो जो आपका ये नंबर है दैट फ्लिप हो जाएगा नोमिनेटर बिकम्स डिनोमिनेटर बिकम्स नोमिनेटर एंड नोमिनेटर बिकम्स डिनोमिनेटर 4 2 8 कट गया अब ये दोनों से नहीं कटते अब हमारे पास क्या आ जाएगा 39 मल्टीप्लाई बाय 2/23 अब 39 × 2, 2 9 = 18, 1 2 3 = 6 and 1 = 7, 78 डिवाइड बाय 23 नाउ डिवाइड 23 बाय एंड 78 23 3 = 3 3 = 9 3 2 = 6 69 ठीक है 9 तो हमारे पास आंसर आ गया 3 9/23 इज आवर फाइनल आंसर सेट थोड़ी कंप्लीट हो गया लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 इन फैक्ट 1 के तो पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं अच्छा अब हमारे पास क्वेश्चन 2A एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म यानी एक्सप्रेस करना है एक्सप्रेस किसमें सिंपलेस्ट फॉर्म 3 × x - y डिवाइड बाय 2 - 4x - y / 14 - 3 × x + y / 7 और सुनो 3x - 3y / 2 then 4x - y / 14 - 3 × 7 = 3x, 3 × y, 3y / 7 now अब हमें ये करना है सबसे ग्रेटर डिनोमिनेटर है 14 7 को भी 14 बना देंगे एंड 2 को भी 14 बना देंगे 7 2 को भी 14 बनाएंगे अब हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे हाँ 2 × 7 7 × 3x - 3y अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज के वो सारे के सारे आपको समझ आने वाले हैं टू मैं स्टेप ले लूं देन आई विल एक्सप्लेन टू को 7 मल्टीप्लाई करेंगे 14 बनेगा इस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 बनेगा इस वाली वैल्यू को हमने ऊपर नीचे 7 से इसलिए मल्टीप्लाई किया टू मेक द डिनोमिनेटर सेम इसी तरह यहां जो है दोनों को 2 से मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड टू मेक द डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए ये सारा काम किया 2
7 ऊपर मल्टीप्लाई किया नीचे लिखिए उससे क्या होगा 7 2 जन 14 7 3 जन 21x 7 3 जन 21y माइनस 4x माइनस y डिवाइड बाय 14 माइनस 2 3 जन 6x 3 2 3 जन 6y और 2 7 जन 14 नाउ सी दैट डिनोमिनेटर बिकम सेम सारों के नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया इसलिए डिनोमिनेटर को क्या करेंगे एक बार लिख देंगे डिनोमिनेटर को यहां पर एक बार लिखेंगे तो यहां हमारे पास 21x माइनस 21y माइनस 4x माइनस माइनस प्लस y माइनस 6x माइनस 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 प्लस माइनस 6y अच्छा अब हमारे पास कितने y हैं हमारे पास 3x की वैल्यू है यानी कि y की वैल्यू है अब x की हमारे पास देखिएगा ये 21x है हमारे पास ऐसे आ गए 21x 4 एंड 6 दोनों के साथ सेम साइन था माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10x नाउ माइनस 21 एंड 6 21 एंड 6 बिकम्स माइनस 27 माइनस 27 y प्लस y ये अकेला y बच गया प्लस y डिवाइडेड बाय 14 नाउ 11x 21 माइनस 10 11 एंड 26 बाय 27 माइनस 1 26 डिवाइड बाय 14 इज द फाइनल आंसर हो गया जी पार्ट ए लेट्स मूव टुवर्ड्स द पार्ट बी जो वर्ड प्रॉब्लम की तरह है मैं वर्ड प्रॉब्लम को मैंने लिखूंगा आपको सारे आंसर साथ एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो पूरे में क्या कह रहा है जो पूरा क्वेश्चन बी है उसमें क्या है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको जल्दी जल्दी पढ़ के बता दूं अब कह रहा था साहब द प्राइस ऑफ अ विजिट टू अ डेंटिस्ट इज रुपीस 1200 क्या अगर एक डेंटिस्ट के पास जाते हो तो 1200 वो आपसे चार्ज करता है इफ द कैविटी फिल्स इफ द डेंटिस्ट फिल्स एनी कैविटी एन एडिशनल चार्जेस ऑफ 1800 पर कैविटी गेट्स एडेड टू बिल कि अगर वो चेक करने के साथ साथ कोई कैविटी चेक आपके दांत में आ जाती है तो उसको एक कैविटी के वो 1800 चार्ज करता है इफ द डेंटिस्ट फाइंड्स एक्स कैविटीज अब वो कह रहे हैं अगर फर्ज करें कि डेंटिस्ट जो है वो एक्स कैविटीज एक बंदे के जो दांत है ठीक है उन्हें ढूंढता है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द विजिट कि एक विजिट करने वाले का कितना कॉस्ट पड़ेगी उसे राइट योर आंसर इन एक्सप्रेशन के भाई पहले इसको एक्सप्रेशन में लिखें और अगर कैविटीज कितनी फाइंड की हो तीन कैविटीज नाउ इफ द नंबर ऑफ कैविटीज फाउंड इज 3 कैलकुलेट द टोटल बिल बताना है कितना है ठीक है अच्छा जी अच्छा जी विजिट फीस हम ऐसे कहते हैं विजिट फी फी ऑफ डेंटिस्ट कितनी है जी रुपीस 1200 फी पर कैविटी कितनी है जी एडिशनल दैट इज 1800 वो एक्स ले लेता है अब कह रहे पहली क्वेश्चन इफ द डेंटिस्ट फाइंड एक्स कैविटीज इफ डेंटिस्ट फाइंड एक्स कैविटीज देन फी ऑफ डॉक्टर विजिट फी ऑफ डॉक्टर प्लस कैविटी चार्जेस प्लस कैविटी चार्जेस इज इक्वल टू कितने पैसे ले रहा है 1200 रुपए तो उसने सिर्फ डॉक्टर ने देखने के लिए कि भाई आएगा आपको देखेगा दांत में क्या है 1200 रुपए उसके लिए लेकिन वो कह रहे हैं कि उसने क्या किया 1800 रुपए उसने किस चीज के लेने हैं कैविटी के लेने और कितनी नंबर ऑफ कैविटीज फाइंड हुई है एक्स को इसलिए इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई होगा इफ डेंटिस्ट फाइंड एक्स कैविटीज
अगर वो x के बीच में फाइंड करता है। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन, इफ नंबर ऑफ कैविटीज इज इक्वल टू 3, दैट इज x इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैविटीज, दैट इज x नंबर ऑफ कैविटीज, दैट इज x इज इक्वल टू 3, देन क्या होगा? 1200 प्लस टोटल चार्जेस, टोटल बिल, टोटल बिल कितना देना पड़ेगा पेशेंट को? 1200 उसकी फी है, 1818 वन कैविटी, एंड नाउ देयर आर 3 कैविटीज, सो द टोटल बिल बिकम 6600, 83 इज 54 एंड 1200 दैट्स बिकम 6600 रुपीस। He has to pay 6600 rupees if there are 3 cavities in his cheek. So every person will be complete. Will you go to the site you want? Will you go pass? Is there a screenshot? Now let's move towards the question number 3. Achha, question number 3 may tell you, find roots without using double letter. 3 ka part A, kare ke iska root find kare, that is 1936 without using calculator. बहुत सिंपल समस्या है। 1936 I think chapter 2 को क्वेश्चन है ये मानते हैं। I think मानते हैं। 1 yes 1 definitely 2 9 are 18 1 बचा 13 2 6 are 12 1 8 2 8 are 2 4 are 2 8 are 2 4 are again 2 2 are 2 4 are 2 2 are 2 1 are 2 2 are 2 1 are 11 sir and 11 months. Now 1936 is equal to 4 times 2 and 2 times 11. Now write it in its index notation like 2 power 2, 2 power 2, 11 power 2. Square se square root kya ho gaya? Cancel ho gaya. 2 into 2 यानी सारों का सारों के ऊपर स्क्वायर था और सारों के ऊपर स्क्वायर रूट है, इसकी सब स्क्वायर हो गया, कैंसिल हो गया एंड नाउ इट्स बिकम 4 2 4 4 11 4. अगर हम चेक करना है तो 44 को 44 से मल्टीप्लाई कर 4 4 16 1, 4 6 24, 4 4 16 एंड 17. नाउ 4 4 16 1 कैरी, 4 4 16 एंड 17 6 एंड ठीक है 44 मल्टीप्लाई 14 मार्क्स 16 सुनो 6 एरी सदा ऐड किया तो हमारे पास अगेन वही आ गया। तो पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, चाहे बता रहे हैं पार्टी। अच्छा मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ टोटल, आई होप कि दो से एक डेढ़ मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा। स्टेटमेंट बहुत बड़ी बड़ी सी है, क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपको काफी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बहुत सिंपल है, सिर्फ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 6 एंड ग्रेड 8 इज 7 हु वेंट ऑन अ स्टडी विजिट वाज 140 एंड 196 रिस्पेक्टिवली। कह रहे थे स्टूडेंट है क्लास 6 ग्रेड के और 7 ग्रेड के जो स्टडी विजिट पर जाना चाह रहे हैं, 6 क्लास 6 के बच्चे जो हैं वो 140 हैं और क्लास 7 के जो बच्चे हैं वो 196 हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ ईच क्लास आर टू बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट। कि दोनों जो स्टूडेंट्स ऑफ ईच क्लास जो क्लास है ये हर क्लास के उनके ग्रुप्स को असल में उसने क्या करना है कि सेम नंबर ऑफ ग्रुप्स में चेंज करना है, मतलब वो ऐसे ग्रुप बनाए गए इन स्टूडेंट के ताकि हर ग्रुप में बच्चे सेम रहे। ईच ग्रुप कैन हैव पेड गाइड, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देयर कैन बी इन ईच ग्रुप। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और सेंटेंस जो आपको क्लू देगा टू सॉल्व द क्वेश्चन। The maximum number of students can be in each group कितने हैं? That is the HCF. We are going to find the HCF of these two numbers, that 140 and 196. तो number of students in grade 6, that is 140. Number of students in grade
7 is equal to 196. The maximum number of students in the maximum number of students in each group mean HCF of that highest common factor of 140 and 196 ऐसे फाइंड करने हैं। तो इसका ये मेथड हम निकालेंगे क्योंकि उसने कोई हमें नहीं कहा कि भाई किस मेथड से सॉल्व करें। तो इसलिए हम एक डिवीजन मेथड को ले लेते हैं। दैट इज वेरी सिंपल 196 140 एंड 196 2 7 are 14 0 as it is 2 9 are 18 and 2 8 are 16 again 2 2 35 are 70 and 2 49 are 19 now 7 5 are 35 7 7 are 49 ऐसे में ही होता है कि जब आप सेम टेबल दोनों पर डिवाइड हो रहा हो तो आप डिवाइड करते हैं 2 डिवाइड हो रहा था 14 पे 2 डिवाइड हो रहा था 196 इसलिए डिवाइड किया अगेन 2 डिवाइडेड बाय 34 यस पॉसिबल 2 डिवाइड बाय 98 यस पॉसिबल 7 डिवाइड बाय 35 यस पॉसिबल 7 डिवाइड बाय 49 यस पॉसिबल अब देखें 7 एंड 5 एंड 7 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय द सेम नंबर हम एक सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते थे सो वी हैव टू स्टॉप हियर और ये जो साइड वाले नंबर है दैट इज योर HCF सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज 2 into 2 into 7 that is 28 so maximum number of students in each group is equal to 28 that is the final answer चलें वीडियो को पास करते हैं इसके लिए स्क्रीनशॉट ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें क्वेश्चन नंबर 3 2 का पार्ट सी क्वेश्चन टू पार्ट थ्री पार्ट सी थ्री का पार्ट सी सिंपल कह सकते फाइंड द एक्सप्रेशन सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन बट एक्सप्रेशन इज जी एक्स माइनस वाई प्लस माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर वाई माइनस फोर वाई नो सिक्स वाई माइनस फोर वाई एक ही बार है प्लस टू वाई माइनस माइनस टू एक्स अच्छा ठीक है अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर है इस 2x के फौरन बाद 2x के फौरन बाद उसमें क्या लिखा हुआ है u2 लिखा हुआ है दिस 2 इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दिस 2 मींस द नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ दिस पार्ट इज 2 इस पार्ट के दो नंबर हैं इस क्वेश्चन में दो लिखा हुआ है ठीक है देखें 3x माइनस y माइनस प्लस माइनस 6 माइनस फोर वाई प्लस टू वाई माइनस माइनस प्लस टू एक्स इसमें हमारे पास एक ये इसमें दो साइन थी चेंज हो गया प्लस माइनस माइनस सिक्स एक्स इसके साथ तो कोई साइन नहीं था ना शुरू के अंदर मतलब प्लस था उसके तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस बिकेगा माइनस माइनस प्लस नाउ वी हैव थ्री वैल्यूज ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस टू प्लस फाइव माइनस सिक्स लाइक क्वांटिटी पहले सेम होगी माइनस फोर वन माइनस फोर माइनस फाइव वाई प्लस टू वाई एज इट इज नाउ फाइव सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस वन एक्स फाइव माइनस टू माइनस थ्री एक्स फाइव इज ग्रेटर देन टू नेगेटिव साइन लेंगे बिकॉज बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव है अगेन माइनस लगी है क्योंकि माइनस इसके साथ है बड़ी वैल्यू चल रही है मे बी उसमें माइनस वन का मान लेके ऐसे लिखती हूँ ऐसे भी लिख सकता है थ्री बाई लिखती हूँ इस तरह लिख सकते हैं बट दिस इज द फाइनल आंसर आप लिख सकते हो ठीक है ये वन है सी ठीक है वन है आप सिंपल एक्स भी लिख सकते हो तो पार्ट तीसरा क्वेश्चन हमारे पास हो गया जी कंप्लीट अभी हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर है उसमें कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी में क्वेश्चन कंप्लीट करा दे दो इस तरह स्टेटमेंट है मैं एक दफा स्टेटमेंट पढ़ूंगा बाकी फॉरम आपको जल्दी जल्दी में करा दूंगा
in a in an examination 300 students appear. The ek exam hai, examination hai, total number of students jo hai, total number of students appear in exam ES in exam is equal to 300. Out of these students, 28% got first position. Percentage of students who got first position, that is 28%. Again, percentage of students who got second position is equal to 54%. Remaining just pass, remaining student जो हैं वो सिर्फ pass हुए हैं. अब वो कह रहे हैं कि assume that no students failed, find number of students who just passed. कोई fail नहीं हुआ, कह रहे हैं कि बताएं कि कितने student सिर्फ pass हुए. क्या है इसके बहुत सारे तरीके, मैं बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं. लेट टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 100%. ठीक है जी, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु जस्ट पास्ड, जो सिर्फ पास हुए वो कितने होंगे, टोटल 100% है, जिसमें से माइनस कर देंगे कौन से, फर्स्ट पोजीशन वाले प्लस सेकंड पोजीशन वाले. 100% माइनस 812 माइनस 82, कैसे 54 and 28, 812 1 82%, 18%. हमारे पास कितने जो बच्चे हैं, 18% जो स्टूडेंट है वो जस्ट पास हुआ है. उसने क्या कहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड, जस्ट पास्ड. अब हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु जस्ट पास्ड इज इक्वल टू 18% ऑफ 300, यानी 18% ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, दैट्स द 300, टोटल कितने हैं उनका 18% निकालेंगे. आंसर आ गया जी हमारे पास 18 25, समझ के सब परसेंटेज होते हैं 100 से डिवाइड ऑफ मी मल्टीप्लाई एंड देन 300, 2020 से कट गए तो हमारे पास कितने आ गए, इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 54. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु जस्ट पास्ड द एग्जाम इज इक्वल टू 54. क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, वीडियो को पास करके ले स्क्रीनशॉट करके सेल अगला पार्ट है दैट इज फॉर बी एंड सी विल बी कंप्लीट. अच्छा पार्ट डी फोर कल रिकॉर्डिंग हो गई थी क्योंकि भी बंद भी हो जाते हैं, अच्छा नहीं हो रही है. इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट कितनी है 60%. Statement in the footnote, in a class 60% of the students are girl, if the total number of the student is 30, what is the number of boys? Actually, total number of student, total number of students is equal to 30. Number of boys, दो तीन तरीके हैं इसको करने के, number of boys क्या है हमने find करने के. हम ऐसा करते हैं कि 60% निकाल लेते हैं, ये तो percentage of girls है, number of girls student कैसे निकालेंगे, 60% of 30, क्योंकि 60% है ना टोटल स्टूडेंट का, टोटल स्टूडेंट आपके पास कितने 30 है, 30 में से
जो 30 स्टूडेंट है उनमें 60% गर्ल्स की तादाद है, तो हम चेक करते हैं कि जो 60% बन रहा है वो टोटल कितने बन रहे हैं। 60 / 100 × 30 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट दैट इज 30 माइनस गर्ल्स। टोटल स्टूडेंट में से जो गर्ल्स है वो माइनस करो तो पीछे आपके पास जो बचेंगे ना 12 दे आर दी बॉय नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज जो है वो कितने हैं 12 है। इस तरह क्वेश्चन हो गया जी पार्ट इसका बी भी कंप्लीट, छोटी सी जगह है सी भी जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। पार्ट सी इसी का 4 का पार्ट सी कह रहा है एक्सप्रेस द परसेंटेज एज फ्रैक्शन, कह रहा है ये 35% है उसको फ्रैक्शन में लिखिए, फ्रैक्शन में जिस नंबर के साथ परसेंटेज हो उसके नीचे 100 लगा दो, उसके नीचे क्या लगा दो 100। अब सिंपल सिंपलीफाई भी आप करोगे, उसने कहा नहीं है कि सिंपलीफाई करो लेकिन आप सिंपलीफाई करना है क्योंकि बाद नंबर काट दिया जाता है, एक अंडरस्टूड बात है कि इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना है। दोनों को 5 डिवाइड बाय 5 इससे इससे भी करें, डिवाइड बाय 5 इससे भी करें, 5 × 7 = 35 एंड 5 × 20 = 100, ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर है। सपोज अगर उस इसी क्वेश्चन को 35% दे देते और कहते कि डेसिमल में लिखो, ये भी दे सकते हैं समझे, तो आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकते हैं कि डेसिमल में लिखो, इसी को मुझे डेसिमल में क्या लिखते हैं 35 इसको 100 से क्या चाहते हो परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से यानी आउट ऑफ 100, तो इस तरीके से मैं डिवाइड बाई 100 कर लूँ। अब क्या करूँगा कि मेरे पास 2 जीरो है तो 2 डिजिट बाद मैंने पॉइंट लगाने, तो 35 0.35 है, इसके पास आंसर आएगा क्योंकि जब डिवाइड हो तो पॉइंट इस तरफ मूव करता है, पॉइंट नहीं है जिसका मतलब है एंड पे है, और इसको हमने 2 स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 7 2 जीरो है मान के, इसलिए 2 स्टेप मूव करके इस तरह ये तो फ्रैक्शन है, ये क्या है डेसिमल है, ये सिर्फ आपको डिजिटल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, समझे ऐसे भी चेंज कर देते हैं। चलो सर ओके जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर ऐसा है कि हम इसका पार्ट 7 कर लेते हैं। अच्छा पार्ट 7 उसमें इसके टोटल 7 क्वेश्चन है, 7 में से 6 कर रहे हैं, 4 हम कर चुके हैं, 2 होने और पड़े। अच्छा जो पहले चले 6 वाला कर लेते हैं फिर उसके बाद 6 का पार्ट ए में थोड़ा सा मैं पॉइंट ही दे दूं, कह रहा है यूज अ नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट, नंबर लाइन पे आप नंबर -1 थोड़ा सा आईडी दे दूं आप मेरे को कर लेते हैं इसको नंबर लाइन में जाहिर है। ये देखिए मैंने एक नंबर लाइन ऐसे एक बना ली सही, इसके दरमियान में मेरे पास क्या है जीरो है ठीक है, ये जीरो ये मेरे पास इसका क्या है जीरो, इस तरफ मेरे पास सारे नंबर होंगे 1 2 3 ठीक है, ये 1 है ये 2 है और ये 3, इस तरह 1 2 -1 -2 and -3 ठीक है, बल्कि तो ऐसा करता हूँ नंबर को नीचे माइनस 2 and -1 इधर जी -1 + 1 + 2 and + 3 इनको छोड़ देते। अब नंबर लाइन के लिए देखो हमें क्या करते हैं, अब हमारे पास इसका मतलब है 1/3 का मतलब है आप इसको आसानी से इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, 1/3 का मतलब है 0.33, 1/2 का मतलब है 0.5, 3/4 का मतलब है 0.75 यानी कि आउट ऑफ 100.75 इसका मतलब है 1.5 सही है। कैसे सिंपल आप डिवीजन से भी कर सकते हो कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। अब -1 का कहां एग्जिस्ट करेगा, ये देखो -1 इस जगह एग्जिस्ट करेगा, ये देखो -1 है ये देखो -1 है -1 लगा दो, उसके बाद -0.0 चाहिए -0.0 चाहिए। अब देखें यहां पर इसके बीच में ना 10 लाइनें होंगी, इसको इसको इंक्लूडेड बाय दिस लाइन देखो ये है इसके बीच 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and 0 सही, 0 और 1 के दरमियान में टोटल 10 लाइन है। अब 0.33 का मतलब है कितनी सी लाइन 0 1 2 3 यानी 0 -1/3 आप इस वाली लाइन के ऊपर लिख दोगे ऐसे, मैं थोड़ा सा ना इसको सर्कल ही ऐसे ये हो गया। नेक्स्ट जो मेरे पास नंबर है वो है 0.5 1/2
1 by 2 बोल रहा है इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाली लाइन है तो 0.5 का मतलब ये वाली लाइन है दैट इज 1 by 2 प्लस है ना इसलिए उस साइड पे जाएगी अगर 0.75 है तो इसका मतलब है कि बिल्कुल इसके बहुत ज्यादा करीब आप एक पॉइंट ले लेते हैं यानी कि आपका 1 तो नहीं है तो इसका तकरीबन इस एरिया में आप देख सकते हैं 3 by 4 वेरी क्लोज टू 1 ठीक है और 3 by 2 का मतलब 1.5 ये तो आसान है यानी 1 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेंस तो ये देखें यहां से लेकर यहां तक 1 और यहां से लेकर यहां तक पॉइंट 1 by 2 तो टोटल 2 1 2 3 by 2 3 by 2 आपका यहां आ जाएगा ठीक ये तो नंबर लाइन आपने पहले भी सीखी होगी ये तो आसान है इसका इतना मसला नहीं है अब हमारे पास इसका जो पार्ट बी है 6 का पार्ट बी है तेरे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड हो गए तेरे कैलकुलेटर को कभी यूज नहीं करना और ऐसे सॉल्व करना है तो कोई बात नहीं कैलकुलेटर को यूज नहीं करना हम कैलकुलेटर के बगैर भी आपको सॉल्व कर देंगे कोई मसला ही नहीं है 4 प्लस माइनस 1 1 बाय 4 प्लस 8 बाय 3 8 5 7 14 14 plus 5 14 3 power 8 यानी हम क्या करते होंगे जो नीचे नंबर होता है वो साइड वाले से मल्टीप्लाई होता है और जो आंसर आता है ऊपर वाले में ऐड हो जाता है 8 को 6 से मल्टीप्लाई करो 24 24 plus 8 चीज 24 और 24 and 29 चलिए एकदम चेक करने से ये भी पता चल गया करने वाले थे 2 6 12 12 plus 9 21 24 21 multiplied by 12 and 2 multiplied by 12 because 12 2s are 24 plus 17 multiplied by 4 multiplied by 6 दोनों को 6 से multiply किया तो 6 4s are 24 minus 5 multiplied by 6 4 multiplied by 6 because 6 4s are 24 62 plus 1 0 2 minus 30 plus 64 अब minus वाले दो वैल्यू में ये वाली और plus 3 effect 3 वैल्यू minus की है और दो वैल्यू plus की तो minus 1 को पहले एक साथ लिख लेते हैं 252 78 and 30 8 to 10 1 carry 16 1 carry 360 ठीक है 360 ठीक है 194 पावर 24 अब तो ऊपर नंबर बड़ा है लिहाजा 194 को डिवाइड करेंगे 24 से अच्छा सिंपली पाई भी होता है पहले सिंपली पाई करते हैं 194 पावर 24 टू नाइजर 18
2 7 14 2 12 माइनस 97 अपन 12 अब हम डिवाइड करेंगे 97 इनटू 12 12 8 96 होता है नीचे क्या बचेगा 1 तो माइनस 8 1 बाय 12 क्या है इसका फाइनल आंसर आ गया थी। तो हमारे पास क्वेश्चन 6 भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन हम इसका और करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है उतार लेते ताकि वो भी ना हम कंप्लीट कर आप आपको वेट 6 के 6 क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे पास पेपर के। अमाउंट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई हैड बिफोर बाइंग बेकरी आइटम्स। ठीक है अभी हमारे पास क्या है कॉस्ट ऑफ 18 क्या है कॉस्ट ऑफ 18 क्या है डोनट्स ओके नेट 18 डोनट्स है और हर डोनट की प्राइस क्या है जी x है 18x होता है कॉस्ट ऑफ कितनी पेस्ट्रीज है जी 8 अब देखो कितनी पेस्ट्रीज है 8 एक पेस्ट्री की प्राइस क्या है y है 20 क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ 18 डोनट्स प्लस 8 पेस्ट्रीज कितनी हो जाएगी 18x प्लस 8y अमाउंट लेफ्ट उसके पास क्या है अमाउंट लेफ्ट जो पैसे पीछे उसके पास बचे हैं उसके पास पैसे बच गए थे 3x प्लस 4y कह रहा था उसके पास बच गए थे टोटल अमाउंट ही हैड बिफोर बाइंग बेकरी आइटम्स कह रहे हैं बताएं कि बेकरी आइटम्स खरीदने से पहले उसके पास कितने पैसे थे तो जो पैसे उसने किस पे लगा दिए वो ऐड कर देंगे जो पैसे उसने क्या लगाए बेकरी आइटम्स में लगाए जो पीछे बच गए उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा तो ये हो जाएगी 12 y प्लस कितना हो जाएगा 8 और 3 11 x 11 x प्लस 12 y इज द इनिशियल अमाउंट ही हैड बिफोर बाइंग बेकरी आइटम्स। ये कंप्लीट हो गए फिर एक पास इसको छोड़ दें अभी मूव करते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका इसी का क्वेश्चन नंबर 7 था जो 7 का पार्ट है जी बी कह रहे सिंपलीफाई सिंपलीफाई एक्सप्रेशन सिंपलीफाई कह रहे कि एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई कर दें माइनस 8 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 5 आर प्लस 4 बी माइनस 3 आर ठीक है ये पार्ट बी 3 बी प्लस माइनस माइनस 8 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस प्लस माइनस 5 आर प्लस 4 बी माइनस 3 आर। अब पी क्यू आर दो दो वैल्यू है हमारे पास देखिए पी की वैल्यू है इसके साथ कोई साइन नहीं है प्लस है प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 पी। अब क्यों देखिए क्योंकि कितनी वैल्यू है हमारे पास है क्यू पी और क्यू है ठीक है क्योंकि तीन वैल्यू है और तीनों वैल्यू सीक्वेंस में लिखी हुई है ठीक हो गए और तीनों के साथ सेम साइन है 8 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब 8 टू 10 12 माइनस 12 क्यूब ये देखें दो तीनों वैल्यू आपस में माइनस की थी सेम साइन था इसलिए एडिशन जब भी सेम साइन हो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो वो ऐड होंगे और साइन वही रहेगा जो उन तीनों के साथ है जैसे इन तीनों के साथ माइनस था तो साइन माइनस ही रहा और तीनों माइनस की मिलकर एक वैल्यू बन गई है। अगेन हमारे पास आर की बात है तो आर दोनों के साथ सेम साइन है इसके साथ भी माइनस है इसके साथ भी माइनस है तो साइन माइनस आएगा और दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 8 आर बन जाएगा और ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट वीडियो को पास करके इसका सुना लो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो हमारे पास लास्ट पार्ट है और इसका आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा।
वो है जी क्वेश्चन नंबर पार्ट है सी। अच्छा पार्ट सी की भी बात करें, एक्स कह रहे हैं गिवन दैट एक्स इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 5, एवेल्युएट 4x प्लस वाई प्लस 4y माइनस 2xy 3। जी ये उसमें क्वेश्चन है कि अगर गिवन में हो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, एक्स में आपको 8 दे दूं, वाई 5 दे दूं, तो इसको सिंपलीफाई करें। तो जहां हमें x नजर आ रहा है वहां हमने सिंपल क्या पुट कर लेना है, 8 पुट कर लेना है, जहां y नजर आ रहा है वहां 5 पुट कर लेना है, 4y y की जगह 5 माइनस 2x की जगह 8 और y की जगह 3। 4 8 सर 32 ओवर 5 प्लस 20 माइनस 2 8 सर 16 ओवर 3। इसके नीचे कोई नंबर नहीं, 1। ठीक है अब देखें 3 5 सर 15। अब इन सारों का जो एलसीएम है वो क्या है, 15 इनका एलसीएम है। अब क्या है 5 का टेबल 15 के 3 टाइम जाते हैं, इसलिए 3 मल्टीप्लाई बाय 32 हो जाएगा। अब देखें 20 मल्टीप्लाई बाय 15, जिसके नीचे डिनोमिनेटर ना हो मतलब हम 1 लगाते हैं, एलसीएम डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हमने 1 इसलिए लगाया कि जहां कुछ भी ना हो वहां 1 एग्जिस्ट करता है। फिर एलसीएम जो है 15 है, 15 20 से इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा था क्योंकि 15 के इस 20 इन दोनों नंबर के नीचे कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए एलसीएम डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई होगा। माइनस 3 का टेबल 15 पे 5 टाइम जाता है, इसलिए 5 मल्टीप्लाई बाय 16 हो जाएगा। ठीक अब 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 हो गए। अब 15 2 जा 18, 300 हो गए। 15 0 जा 0, 15 2 जा 300 माइनस 80 और डिवाइड बाय कितना हो गया 15। अब हमारे पास ये लगे 396 माइनस 80 और 15। अब देखिए 96 ऐड हो गए इसमें 300 में और इसमें 80 हम माइनस कर लेंगे, 396 में से 80 माइनस करो 6 1 316 डिवाइड बाय। अब देखिए ऊपर वाली बड़ी है नीचे छोटी है, डेफिनेटली इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड करेंगे 3 15 15 2 जा 30 1 ऊपर से क्या 16 15 1 जा 15 एंड 1 21 1 बाय 15 इज द फाइनल आंसर। तो ऐसे से चेक करो 20 और 15 300 लगे 0 यस 300 सिर्फ अपने सबसे जल्दी हम चेक कर लिए। तो इस तरह हमारा पास हो गई क्वेश्चन पार्ट 6 का सब्जेक्टिव पार्ट था, उसे हम 6 का सब्जेक्टिव पार्ट था, उसे हमने कंप्लीट कर लिए। 6 क्वेश्चन उसने कहे थे हमने चेक कर लिए हैं, और आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें मैंने बहुत बनाई हुई है वर्कशीट्स वगैरह मैंने बनाई हुई है, अब दूसरा एक अलग से बनाई हुई है प्लेलिस्ट ये न्यूज क्रिटिकल मैट्रिक्स बुक 1 के नाम से, अगर उसमें कोई मसला है आप देख सकते हैं, उसमें बहुत आपका सिलेबस सारा कवर हुआ है इंशाल्लाह, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन हुए हैं, सारे कंसेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, साथ तक अपना बहुत सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।